जहां इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है, देश विदेश की सरकारें बीमारी से बचने के लिए अपने देश के नागरिकों की हिफाजत के लिए हर कमी को पूरा करने में जुटी है, लेकिन इसके उलट कोरोना के बेखौफ नकली गंदगी के ढेर में केमिकल से रसगुल्लों की मिठाई तैयार कर खुलेआम मौत की मिठाई बना रहे हैं। अब हम जो खबर आपको दिखाएंगे उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूपी के जिला संभल में लोगों को मिठाई के रूप में मौत परोसी जा रही है। देखिए रिपोर्ट में ये तस्वीर यूपी के जिला संभल के थाना असमौली क्षेत्र के एक गांव अशरफपुर की है, जहां पर दूध मावा के बदले केमिकल से रसगुल्ले तैयार किए जा रहे हैं, जो इंसान की जान के लिए साफ तौर पर इतने हानिकारक हैं कि ये किसी की जान भी ले सकते हैं। जब मीडिया कर्मियों ने गांव में चल रही फैक्ट्री के बारे में जानकारी जुटाना चाही तो फैक्ट्री मालिक मीडिया पर ही आग बबूला होते हुए कैमरे से बचते दिखाई दिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जाहिद। इंस्पेक्टर चलवा रहे हैं? कितने रुपए लेते हैं आपसे? फिर भी महीना कौन सा गाँव है? कौन कौन चलवा रहा है यहाँ पर फैक्ट्री? कौन अधिकारी हैं? चलो तुम सब जने आओ, सब सब भट्टी पाओ ना, बता दो सही। आप बताओ सब भट्टी पाओ ना, बताओ ना पहले। 14 भट्टियों में लेके चलूंगा और 14 भट्टी वाले हम आपके साथ चलेंगे ना। आप बताइए ना, बता दो ना बस अधिकारी बता दो। 14 भट्टी वाले हैं, 14 भट्टी वाले आपके साथ चलेंगे और प्रधान जी भी चलेंगे। आओ ना, बता दो अधिकारी का नाम तो बता दो, कौन कौन चलवा रहे हैं। जो भी अधिकारी है सबके उनके साथ लेके चलेंगे हम, तुम उनके दो अधिकारियों का नाम तो बताओ, जो जो आए हैं हम आपके साथ लेके और प्रधान जी बताएंगे। आओ आप बताइए ना, परसों आए हैं, परसों प्रधान जी के घर है, आप वो सारी बात बताएंगे। सर एक गांव की शिकायत आई हुई है कि वहां पे फर्जी तरीके से रसगुल्ले का निर्माण किया जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? यहां पे कई गांव में रसगुल्ले निर्माण के केंद्र हैं और शिकायतें भी आती रहती हैं, कार्रवाई भी की जाती है। इसमें लगभग 11 मुकदमे कोर्ट में विचाराधीन भी हैं। इन पे क्या कार्रवाई की जाएगी? जहां पर निर्माण प्रक्रिया में प्रोसेस इस प्रकार का है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उन निर्माण शालाओं को बंद कराया जाएगा और जहां पे कुछ सुधार की आवश्यकता है वहां पे सुधार सूचना जारी करके, उनको सुधार नोटिस जारी करके 15 दिन का समय देके सुधार कराया जाएगा।